पिछले 2 साल से ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक तथाकथित शराब घोटाले की जांच कर रही है। 2 साल से ईडी इस तथाकथित शराब घोटाले की मनी ट्रेल ढूंढ रही है। ईडी मनी ट्रेल क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन करती है। क्या इन्वेस्टिगेट करती है? मनी लॉन्डरिंग का क्या मतलब हुआ कि कहीं से भी अगर कोई गलत तरीके से किसी ने पैसा लिया है तो वो कहाँ गया, किसके पास गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, किसने इस्तेमाल किया, इसकी जांच करना ईडी का काम है। 2 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़ी मनी ट्रेल को ईडी खोज ही रही है। उन्हें आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला, मनी ट्रेल का नहीं मिला। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ईडी से पूछा कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहाँ है, मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहाँ है, संजय सिंह से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहाँ है, और इस पर ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिस 100 करोड़ की मनी ट्रेल की ईडी बात कर रही है, जो आम आदमी पार्टी को वो कह रहे हैं गई है, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये मनी ट्रेल साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा ये डिबेटेबल है, यानी ये संदेहास्पद है, इसको साबित नहीं किया गया। संजय सिंह जी के बेल के समय जब मनी ट्रेल पर सवाल उठे तो ईडी के पास कोई भी जवाब नहीं था कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है। लेकिन इस पूरे केस में मनी ट्रेल ना मिलने के बावजूद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, यहां तक कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार किया गया, सिर्फ और सिर्फ ईडी की एक मनी ट्रेल की आशंका पर। लेकिन 21 मार्च 2024 को इस लिकर पॉलिसी इन्वेस्टिगेशन में, इस लिकर पॉलिसी केस में पहली बार मनी ट्रेल का पुख्ता प्रमाण सामने आया है 21 मार्च को, कि किसने पैसे लिए, किसको दिए, कहां दिए, कब दिए, वो पैसे कहां गए, इसका पुख्ता प्रमाण 21 मार्च 2024 को सामने आ गया। आज उस बात को 16 दिन हो गए हैं। तो जब एक मनी ट्रेल की आशंका पर रेड होते हैं, समन होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तो एक पुख्ता मनी ट्रेल के आधार पर पिछले 16 दिन में ईडी ने कितने समन किए, ईडी ने कितने रेड किए, ईडी ने कितनी गिरफ्तारियां करी? और इसका जवाब यह है कि ईडी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये मनी ट्रेल शराब कारोबारी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जा रही है। तो मैं आज ईडी से 5 सवाल पूछ रही हूं, मैं उनको रिपीट करती हूं। सबसे पहला सवाल कि 16 दिन से पुख्ता प्रमाण पब्लिक डोमेन में है कि साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को गया। 16 दिन में ईडी ने इस पर क्या जांच करी है, ईडी सबको बताए।
दूसरा सवाल कि पिछले 16 दिन में भारतीय जनता पार्टी को कितने समन गए, कितनी रेड हुई, कितनी उनसे जुड़ी हुई गिरफ्तारियां हुई, ये बात ईडी सबके सामने रखे। तीसरा सवाल कि आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते, तो ईडी ये बात बताए कि वो जेपी नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते शराब कारोबारी शरद रेड्डी से, साउथ लॉबी से 55 करोड़ रुपए लेने के नाते कब गिरफ्तार करेगी। चौथा सवाल, क्या ईडी ये इन्वेस्टिगेशन करेगी कि साउथ लॉबी के मगुंटा श्रीनिवासलु रेड्डी और राघव मगुंटा का क्या कोई पैसा, क्या कोई मनी ट्रेल बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी को गया है, जहां से आज मगुंटा श्रीनिवासलु रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। पांचवा सवाल, बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी से शराब कारोबारी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उस चुनाव में हो रहे खर्चे को ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो मैं ये चाहूंगी कि ईडी जो रोज रोज प्रेस रिलीज देती है, जो रोज मीडिया में स्टोरीज देती है, आज हमारे इन पांच सवालों का जवाब दे। और अगर ईडी वास्तविक तौर पे भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, वास्तविक तौर पे मनी लॉन्डरिंग की जांच कर रही है, वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी पर, उनके अलायंस पार्टनर टीडीपी पर जांच शुरू करे और उस जांच का पूरा खाका इस देश के सामने रखे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर हर प्रकार के झूठे आरोप लगाती है। अपनी कंट्रोल में जो उनकी अलग अलग संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे आज के दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, उन सबके माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस करवाती है, नोटिस दिलवाती है। ये गोवा का मामला भी ऐसा ही मामला था, जब भारतीय जनता पार्टी की शिकायत के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा, उन पर केस किया। लेकिन कल गोवा की अदालत ने इस केस को डिसमिस कर दिया है और कहा है कि ये केस बिल्कुल निराधार है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक ही चीज कहना चाहूंगी कि अगर आम आदमी पार्टी का राजनीतिक सामना करना है, अगर हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, तो आमने सामने आके लड़ो, चुनावी मैदान में आके लड़ो, अलग अलग संस्थाओं के पीछे छुपकर, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, उनके पीछे छुपकर चुनाव लड़ने की कोशिश ना करो। अगर हिम्मत है तो आमने सामने आकर अपने दम पर, अपने काम के दम पर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ो।